नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सोलंकी गार्डन में। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और आज की वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाने जा रही हूँ। ये ड्रेसिना फैमिली से है और इसका नाम है ड्रेसिना कॉर्डेलाइन। इसको रेड ड्रेसिना भी बोलते हैं, तो क्योंकि इसमें कलर की वजह से इसके नाम पड़े हुए हैं। ये देखिए इसमें ग्रीन कलर भी है, पर्पल शेड भी है और रेड शेड भी है। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। ये एक इंडोर प्लांट है, आप इसको सेमी सेडेड एरिया में भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे और तेज़ धूप में रखेंगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएंगी और सूखने लग जाएंगी और कलर भी बदल जाती है, कई बार बिल्कुल ग्रीन भी हो जाती है और धीरे धीरे वो पीले रंग की होके सूख के और टूट के गिरने लग जाती है। तो इसलिए हमें इसको सेमी सेडेड एरिया में ज़रूर रखना चाहिए या इंडोर में भी आप रख सकते हो। ये एक डेकोरेशन का प्लांट है। देखिए मैंने अपने यहाँ पे गार्डन में ये सोलर पैनल के नीचे रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा ये एक तरीके से शेडेड एरिया ही है और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। अभी ये मेरा बेबी प्लांट है, मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको लगाया था। तो फ्रेंड्स आज की इसी की केयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो ये ड्रेसिना का प्लांट है बहुत कम केयर मांगता है, बहुत कम पानी मांगता है, बहुत कम धूप मांगता है और फर्टिलाइज़र भी बिल्कुल ना के बराबर ही मांगता है। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम धूप की मैंने आपको बता दी है कि ये या तो आप इसको इंडोर में रखिए या सेमी सेडेड एरिया में रखिए इसको, तो डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना रखें। और अब रही फ्रेंड्स पानी की, तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि ये कम से कम 2-3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो आप इसमें पानी समर में तो डेली डाल सकते हैं और विंटर में आप चाहे 4-5 दिन में भी डालेंगे तो तब भी बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और सर्वाइव करेगा। अब फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र इसमें आप अगर महीने में एक बार काओ डंग का फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो इसके लिए इनफ रहेगा, बहुत रहेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा फूटी प्लांट नहीं है। अब फ्रेंड्स मेन होता है प्लांट मिट्टी के ऊपर, अगर इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तो प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो वेल ड्रेन के लिए फ्रेंड्स एक तो आप इसके पॉट का नीचे से होल चेक करें कि वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा इसकी मिट्टी थोड़ी सैंडी बनाएं कि पानी ड्रेनेज बिल्कुल आराम से हो जाए। तो उसके लिए आप एक पार्ट गार्डन सॉइल का ले लीजिए, एक पार्ट इसमें आप रिवर सॉइल का ले लीजिए और एक पार्ट में या तो कंपोज या काउडंग अच्छे से मिक्स करके तब इस प्लांट को लगाइए। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ये 7-8 इंच के पॉट में लगा रखा है और इसी के साथ मैंने मनी प्लांट भी लगा रखी है, तब भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। और ये देखिए ये पत्तियाँ इसकी, ये मत सोचना कि धूप की वजह से हुई है, ये पुरानी पत्तियाँ होगी, देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो गई है, हट गई है। तो इनको हटाते रहिए क्योंकि जितनी पुरानी पत्तियों को आप हटाएंगे उसकी जगह नई पत्तियां आएंगी। अब फ्रेंड्स इसमें इंसेक्ट का अटैक तो वो तो होता नहीं है, पर जब भी आप अपने गार्डन में और प्लांटों में आप जैसे सोप वाटर का स्प्रे करते हैं, नीम वाटर का स्प्रे करते हैं, तो इसके ऊपर भी महीने में एक बार स्प्रे कर दीजिए, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अब फ्रेंड्स मैंने इसकी केयर के बारे में बता दिया है, अब इसको लगाने का तरीका कि इसको बड़ी आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और एक प्लांट से दो प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट है इसको यहाँ से कट कीजिए और मिट्टी में डायरेक्ट लगा दीजिए, आप देखेंगे कुछ ही दिन में इसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी और आपका एक और प्लांट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसके जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बड़ा ही हार्डी प्लांट है, बड़ा ही अच्छा प्लांट है। आप इसको लगाइए अपने इंडोर में, इसे डेकोरेशन कीजिए या अपने गार्डन में लगाइए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी इन्फो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।